नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एग्जॉटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। तो दोस्तों, आज है संडे और हर संडे की तरह हाजिर हूं एक बार फिर से आप सभी के सामने संडे क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तो जल्दी से बढ़ते हैं आगे और ले लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल, पहला कमेंट। डी फॉक्स भाई, मेरे पास एक पैर है जो मैं एक वीक पहले लिया था, मगर मैंने स्टार्टिंग में ही मटकी लगा दी थी, फिर मैंने निकाल दी थी, 3 दिन बाद फिर लगाई, फिर भी मटकी में क्यों नहीं जा रही है। भाई देखिए, आपने जोड़ा लाते ही मटकी लगा दी है, आपको ये नहीं पता जोड़ा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अगर जोड़ा लगा हुआ भी है और आप वो पहली बार जो है अपने घर लेकर उसे आए हैं, तो लाने के बाद उसे थोड़ा टाइम आपको देना चाहिए, कुछ दिन बिना मटकी के रखना चाहिए। जब आप बर्ड्स की एक्टिविटी देखें कि भाई बर्ड्स आपके पास सेट हो गया, जो आप खाने के लिए दे रहे हैं वो खा रहा है, अगर एडल्ट है, मेल फीमेल कंफर्म है, जोड़ा भी लग गया है, एक्टिविटी जो है ब्रीडिंग एक्टिविटी आपको करता हुआ नजर आ रहा है, आपसे डर नहीं रहा है, मेल फीमेल फीड एक्सचेंज कर रहे हैं, तब आप जो है वो मटकी लगाए तब तो ठीक है। लेकिन भाई आप पहली बार बर्ड्स लाए और लाते ही मटकी लगा दिए और फिर निकाल भी दिए, तो कहीं ना कहीं ऐसे बर्ड्स डिस्टर्ब होता है, और अभी आपने वापस लगा दिए, तो बस देखें, वेट करें, अपनी तरफ से बर्ड्स की अच्छे से केयर करें, जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। वैसे सही मटकी लगाने का जो सही प्रोसेस है, इसके ऊपर एक वीडियो भी चैनल पर मौजूद है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। समीर खान, मेरे पास 2 फीमेल 1 मेल है, 4 महीने हो गए हैं, अंडे नहीं दिए और मटकी भी लगी हुई है, 1 इंच पट्टी भी बैठने के लिए है, 3x3 का पिंजरा है, दाना भी एक्सचेंज कर रहे हैं मेल फीमेल के साथ, तो प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, दाना एक्सचेंज कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि जोड़ा लगा हुआ है और 4 महीने हो गए हैं आपके पास, तो एडल्ट तो हो ही गए होंगे, हो सकता है जब आप लेके आए उस समय इनकी एज नहीं हुई हो, अभी ये एडल्ट हुए हैं और दाना एक्सचेंज शुरू कर दिया है, तो मैं यही कहूंगा कि बस थोड़ा सा वेट कर लें, अपनी तरफ से आप बर्ड्स की अच्छे से केयर करें। और एक वीडियो चैनल पर मौजूद है कि एक जोड़े से ब्रीड कैसे लें, तो उसमें मैंने सारी जानकारी दी है कि एक जोड़े का पिंजरा जो है वो कैसे आपको सेट करना है, स्टिक कैसे लगानी है, मटकी कैसे लगानी है, ये सारी जानकारी आपको उसमें उस वीडियो में मिलेगी, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपको थोड़ी हेल्प उस वीडियो से भी जरूर मिलेगी। के खान भाई, मेरे पैर ने 2 बेबी और 3 एग दिए हैं, फर्स्ट ब्रीड है, केयर कैसे करें, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप पहले अपने बर्ड्स की केयर करते थे उसी तरीके से अब भी आपको केयर करना है, जो सॉफ्ट फूड आप डेली अपने बर्ड्स को देते हैं वो कंटिन्यू डेली आपको देते रहना है, ताकि जोड़ा जो है अपने बच्चों को भी अच्छे से वो फीड करवा सके, और जो दाना आप रखते हैं वो पूरे दिन दाना केज में होना चाहिए, बस आपको इसका ख्याल रखना है, बिल्कुल जोड़ा अपने बच्चों को पालता रहेगा और जल्दी जो है वो बच्चे बड़े होंगे और बाहर भी आ जाएंगे, तो कोई स्पेशल आपको केयर करने की जरूरत नहीं है, बस बर्ड्स को जो है कोशिश करें, पहली बार ब्रीड आपके पास हो रही है तो ज्यादा इनको अभी डिस्टर्ब ना करें। बजरी पैरोट लवर विजय भाई, मेरे बजरी पैरोट क्रॉसिंग नहीं कर रहे हैं, विटामिन भी दे रहा हूँ, जोड़ा भी लगा हुआ है, तो क्या करें जिससे क्रॉसिंग करें, भाई जी जोड़े पर 4 मटकी दे रखी है, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई पहले तो ये बताएं आपके पास जोड़े कितने हैं, अगर एक जोड़ा ही और आपने 4 मटकी दी है तो 4 मटकी एक जोड़े को देने की जरूरत नहीं है, एक जोड़े के लिए 1 मटकी ही आपको उनके पिंजरे में लगाना है, अगर एक जोड़े से ज्यादा जोड़े जब हमारे पास होते हैं तब जोड़ों से ज्यादा मटकियों की क्वांटिटी होती है, अगर एक जोड़ा ही है तो आपको 1 मटकी लगानी पड़ेगी। और देखिए, जोड़ा लगा हुआ है तो भाई थोड़ा सा आपको, आपसे भी यही कहूंगा कि थोड़ा सा वेट कर लें और वो वीडियो आप भी देख लें, एक जोड़े से ब्रीड कैसे लें, तो बिल्कुल आपको जरूर हेल्प मिलेगी, और आप वो सेटिंग जो है वो बिल्कुल करें जो मैंने उस वीडियो में बताया है, तो बिल्कुल जल्द ही आपके पास जो है वो ब्रीडिंग होगी। यूजर NH7 विजय भाई, मेरी फीमेल ने 24 दिन पहले 1 दिए थे, 1 फर्टाइल भी थे, बच्चे नहीं निकले, तो मैंने चेक किया, 1 एग खराब हो गया, 2 एग सही है लेकिन उनमें नस नहीं दिख रही है, पहले फर्टिलिटी दिखती थी लेकिन अब नहीं दिख रही है, क्या वो भी खराब हो गए हैं, प्लीज रिप्लाई मी। भाई
पहले आपने जब अंडे चेक किए उनमें आपको फर्टिलिटी नजर आई, लेकिन अभी जो है वो कालापन आपको नजर आ रहा है लेकिन नसें नजर नहीं आ रही। इसका मतलब जो है वो अंडे सही हैं, बच्चे बस निकलने ही वाले हैं, क्योंकि जब लास्ट स्टेज पर होते हैं हैचिंग टाइम जब आ जाता है तब भी आपको ऐसे ही नजर आएगा। अगर अंडा खराब होता है तो अंडे में जो कालापन होता है वो साफ नजर आ जाता है, अंडा थोड़ा खाली भी नजर आता है, अंडे का वेट भी जो है बहुत कम होता है और एक गंदा सा कालापन जो है वो धुंधलापन नजर आ जाता है और बिल्कुल डार्क काला है तो अंदर बच्चा है। तो मैं यही कहूंगा कि आप में कंफ्यूजन है, अभी आप सही से चेक नहीं कर पा रहे हैं तो ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 2-3 दिन और वेट कर लें, आपको पता चल जाएगा बच्चे निकल जाएंगे। क्योंकि आप बता रहे हैं 24 दिन हो गए हैं तो पहला अंडा खराब है तो पीछे के 2 अंडों में से बच्चे निकलेंगे, आप थोड़ा वेट कर लें भाई। अतीक शेख, मेरे एक पैर की फर्स्ट ब्रीडिंग है, फीमेल ने 7 एग दिए हैं, वो उस पर प्रॉपर बैठ भी रही है लेकिन फीमेल खुद के फेदर्स की प्लकिंग कर रही है, उसकी स्किन दिखने लगी है, प्लीज बताएं मुझे क्या करूं, संडे Q&A। भाई देखिए, वो प्लकिंग नहीं कर रही होगी, प्लकिंग करना थोड़ा अलग जो है वो चीज है। फीमेल जब अंडों पर बैठती है तो वो अपने चेस्ट के फेदर है वो खोलकर बैठती है, अपने जिस्म की गर्माहट जो है वो अंडों को देती है, तब अंडों में फर्टिलिटी आती है, सही टेम्परेचर वो अंडों को देती है। तो उस दौरान जो है फीमेल के चेस्ट के फेदर जो है वो निकल जाते हैं तो उसकी स्किन भी नजर आने लगती है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस पर एक प्रॉपर वीडियो भी चैनल पर मौजूद है तो वो वीडियो आप देख लें। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो एक बार अपने बर्ड्स की वीडियो इंस्टाग्राम पर मुझे सेंड कीजिएगा, तब मैं आपको कुछ और ज्यादा जानकारी दे पाऊंगा कि वास्तव में वो प्लकिंग है या नॉर्मली जो होता है अंडों पर जब मादा बैठती है या वो है। शशांक साहू, भाई मेरे बजीज फीमेल बॉक्स में जा रही है तो क्या ब्रीडिंग होगी और क्या मैं बॉक्स में नेस्टिंग मटेरियल डाल दूं क्या, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, बॉक्स में आना जाना शुरू कर दिया है तो बिल्कुल भाई जल्द ही क्रॉसिंग होगी और अंडे आपको देखने को मिलेंगे, और नेस्टिंग मटेरियल की जहां तक बात है तो बजरी तोतों को किसी भी तरह का नेस्टिंग मटेरियल डालने की उनकी मटकी या बॉक्स में जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कई बार होता है कि जब वो मटेरियल डालते हैं तो बजरी तोते खुद ही उनको जो है वो बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जगह को पहले साफ करते हैं और फिर अंडे देना पसंद करते हैं। बाकी देखिए, आपने बॉक्स लगाया है तो अगर आप डालना चाहते हैं तो ट्राई आप कर सकते हैं और आप देखें कि वो एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। वैसे बजरी तोतों को जो है वो नेस्टिंग मटेरियल देने की जरूरत नहीं होती है। जगमोहन, हेलो भाई, मेरे बजरी पैरट बाजरा नहीं खाते हैं, मैंने आपकी वीडियो में तरीका करके देखा है पर फिर भी नहीं खाए, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, आपने तरीका ट्राई किया है तो ये आपको ट्राई करते हुए रहना है, और जब कंगनी खा ले तो बाजरे को थोड़ा टाइम पड़ा रहने दें, थोड़ा टाइम ज्यादा कर लें, मतलब टाइम को बढ़ाते रहें उसमें, धीरे धीरे तो वो खुद से खाना जल्दी शुरू हो जाएंगे, फिर भी वो खा नहीं रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, अभी तो आप खिलाएं, अभी कोई एक्सपेरिमेंट ज्यादा आप ना करें क्योंकि बर्ड्स ब्रीड पर होंगे, ब्रीड पर नहीं है आपके बर्ड्स तो कहीं से आप 1-2 बर्ड्स ऐसे सेटअप से लेके आ जाएं जहां से वो बाजरा खाते हों तो ये आसानी हो जाएगी, उनको देखकर आपके बर्ड्स खाना स्टार्ट कर देंगे, और बर्ड्स ब्रीड पर है तो ऐसा ना करें, अभी तो आप जैसे रख रहे हैं वैसे आप रखें, जो खा रहे हैं वो खिलाएं। ब्रीडिंग जब आप ऑफ कर देंगे अपने बर्ड्स की तब आप ये ट्राई कीजिएगा ताकि अगले सीजन तक जो है वो खाना शुरू कर देंगे। वैसे खा लेते हैं भाई, थोड़ी कोशिश करें आप, बिल्कुल खाएंगे, थोड़ा टाइम बाजरा पड़ा रहने दें। अदनान गेमिंग, विजय भाई मेरे बजीज ने 24 दिन पहले एक दिए थे, फर्टाइल भी थे, चिक्स नहीं निकले तो मैंने आज चेक किया तो उसमें कुछ समझ नहीं आया तो मैंने 1-4 दिया लेकिन उसमें चिक्स था और उसकी जान चली गई, ऐसा क्यों हुआ, उसका टाइम हो चुका था लेकिन वो बाहर नहीं आए, प्लीज रिप्लाई, क्या करूं, और अभी 2 एग और हैं तो उसमें से चिक्स निकलेंगे या नहीं, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, आपने गलती की है, आप वीडियो चैनल पर देख लेते या आप यूट्यूब पे सर्च कर लेते तो बहुत सारी वीडियो आपके सामने आ जाती कि अंडों में से बच्चे निकलने का जो टाइम क्या होता है। देखिए, 18 से 19 दिन में जो है वो अंडों में से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं नॉर्मली, लेकिन जो है वो कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए किसी जोड़े ने अंडे 5 दिए, 6 दिए या 7 दिए, उससे ज्यादा दिए,
अब स्टार्टिंग के अंडे खराब हैं तो बच्चे निकलने का जो टाइम है वो ऑटोमेटिक आगे निकल जाएगा, क्योंकि 18 से 19 दिन में उस अंडे में से बच्चा निकलेगा जो अंडा पहले फीमेल ने दिया है। तो उस हिसाब से जो है वो डे बाय डे जैसे फीमेल अंडे देती है उसी तरीके से बच्चे निकलने का दिन भी जो है वो आगे निकलता जाता है। अगर ऐसे में शुरुआती अंडे खराब होंगे तो पीछे के बच्चे जो है वो टाइम ऑटोमेटिक उनका ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसे में बच्चे निकलने का टाइम ज्यादा ही होगा। और आपने समय से पहले ही अंडे फोड़ दिए हैं तो उसमें बच्चे थे और बच्चे आपको जो है वो ब्लडिंग नजर आई होगी और बच्चे मर गए होंगे, जिंदा भी होंगे। कई बार होता है कि डेड इन सेल होते हैं तो बच्चे तो अंडे में होते हैं लेकिन वो मरे हुए होते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो आपने जब अंडे फोड़े तो उनमें जिंदा बच्चे थे या डेड इन सेल थे, वो उनमें बच्चे पहले से मरे हुए थे, तो ये भी आपको समझना चाहिए। सारी वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप वीडियो कंटिन्यू देखते भी हैं तो थोड़ा सा आपको सब्र देखिए, सब्र जरूरी है, सब्र करना पड़ता है। तो आपने सब्र नहीं किया, गलती की और जो है वो अंडे फोड़ दिए, तो ऐसा आपको नहीं करना था। थोड़ा वीडियो आप देख लेते बहुत सारी तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा और आप कंटिन्यू वीडियोस भी देखते हैं फिर भी आपने ऐसी गलती की, खैर चलो जो हुआ सो हुआ, आगे अब आप इस बात का ख्याल रखिएगा। और अंडों में से बच्चे कितने दिन में निकलते हैं चैनल पर प्रॉपर वीडियो भी है, तो वो वीडियो भी आप देख लें तो और जो है आपको जानकारी मिल जाएगी। अनुज कुमार भाई, मेरे पास बजीज पेयर्स के 2 मेल 6 फीमेल हैं, जोड़े भी लगे हैं, मैं सबको मिक्स रख रहा हूँ, 2 पेयर अलग कर दूं प्लीज, संडे रिप्लाई। भाई देखिए, आपको 2 पेयर को अलग ही रखना चाहिए जो जोड़े लगे हुए, बाकी एक्स्ट्रा फीमेल आप उनको अलग रखें, या तो आप यहीं पर आपको जो एक्स्ट्रा फीमेल है उस हिसाब से आप नए मेल ऐड कर लें, और नए मेल ऐड नहीं कर सकते तो आप अलग कर दें तो ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब ये फीमेल अंडों पर बैठ जाएगी तो वो मेल जो है वो इन फीमेलों के साथ जोड़ा लगाएंगे और फिर आगे चलकर कभी ना कभी आपके पास प्रॉब्लम जरूर होगी, और प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो देख लें अब आपको क्या करना है। अनिकेत सनी भाई, बजरी पेयर्स को किस रेट में सेल करना है सिंगल पीस को प्लीज रिप्लाई। भाई आपका क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा है और इस पर ज्यादा अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि छोटी डिस्कस नहीं है, इस पर बहुत लंबा डिस्कस करना पड़ेगा और प्रॉपर वीडियो जल्द ही जो मैं लेकर आऊंगा, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया दे देता हूँ। देखिए बजरी तोतों की हर जगहों पर अलग अलग प्राइस होती है, तो आपके यहाँ क्या प्राइस है वो आप देख लें, उसके बाद आपके पास क्वालिटी क्या है, क्वालिटी के हिसाब से बर्ड्स की प्राइस तय होती है, और जिस भाई के पास अच्छी क्वालिटी होती है प्राइस वो तय करता है भाई। तो ये दो बंदों के बीच की डील होती है, एक लेने वाला और देने वाला, बाकी इसमें बहुत और काफी सारी बातें हैं, तो जल्दी मैं एक प्रॉपर वीडियो इस पर जरूर मैं लाने वाला हूं भाई, थोड़ा आप वेट कर लें, जबरदस्त वीडियो होगी, बहुत शानदार वीडियो होगी। हार्ट ब्रोकन भैया, 2 फीट केज में 2 पेयर हैं, एक बॉक्स एक मटकी, एक पेयर के मटकी में एक है, दूसरे पेयर की फीमेल तो बॉक्स में जाती है पर मेल नहीं जाता, मेल एक वाली मटकी पर जाने की कोशिश करता है, क्या मैं बॉक्स हटा दूं मटकी लगा दूं, एक वाले पेयर को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, संडे रिप्लाई। भाई दिक्कत बिल्कुल होगी, काफी बार ये सवाल मेरे सामने आता है और मैं यही जवाब देता हूं कि भाई 2 ऑप्शन ना दे, जब आपके पास कम जोड़े हों, 1-2 जोड़े आप पिंजरे में ब्रीड लेते हैं तो मटकी और बॉक्स ये 2 तरह के ऑप्शन बर्ड्स को ना दे, या तो आप बॉक्स लगाएं या मटकी लगाएं। ज्यादातर भाई हमारे मटकी का ही इस्तेमाल करते हैं, तो आप जहां से लाएं अगर वो मटकी में ब्रीड ले रहे हैं तो कोशिश करें कि मटकी का ही इस्तेमाल करें, वैसे ज्यादातर भाई जो है वो मटकी ही यूज करते हैं, और मटकी में अंडे आए हुए हैं तो भाई सीधी सी बात है कि वो जोड़ा मटकी में ब्रीड किया हुआ होगा तो उसका जो मेल है वो मटकी रोकने के चक्कर में उस फीमेल को उस मटकी में आने के लिए बोलता होगा, तो आगे चलकर प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इससे अच्छा है कि आप बॉक्स को हटा दें और मटकी आप वहां पर लगा दें, और 2 जोड़े हैं तो एक और एक्स्ट्रा मटकी आप केज में लगा दें ताकि फाइट का कोई इश्यू ना हो, उसको भी जो है वो 2 ऑप्शन मिले, ताकि वो कोई एक मटकी पसंद ना आए तो दूसरी मटकी को सेलेक्ट कर लें। तो भाई ये ट्राई करके देखें, बिल्कुल जो है वो सब कुछ सही चलेगा। सजा शेख भाई, प्लीज हेल्प मी, मेरे पास जो जोड़ा है उसने पहली बार 2 अंडे दिए हैं, तो आज मुझसे एक अंडे पर बहुत
थोड़ा सा क्रेक आ गया है तो उसमें से बच्चा निकलेगा। प्लीज संडे क्यू एन ए रिप्लाई। भाई देखिए, अंडा टूट गया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो टूटा हुआ अंडा भी आप मटकी में अगर है तो ठीक है, मटकी में रख दें, बाहर है तो उसको हटाकर फेंक दें, क्योंकि उनमें से बच्चा निकलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। एक अंडा अगर खराब हो गया है तो ज्यादा आपको कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी उनकी क्रॉसिंग चल रही होगी, अंडे और आ जाएंगे, अभी आप उनको डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना करें, बस अपनी तरफ से केयर करते रहें, बार बार मटकी में ना जाके, पहली बार ब्रीड हो रही है तो बार बार मटकी को ना छेड़ें, ठीक है, जल्दी और अंडे आ जाएंगे और बच्चे निकलेंगे। स्वेयर सक्सेस। भाई मेरे एक बजीज में चार एक दिए थे, एक चिक से अंडे में ही मर गया, तीन एक खराब हो गए, ऐसा क्यों हुआ? मादा पूरा 20 दिन ही अंडों पर बैठी और भाई वो अंडे मैंने निकाल कर हटा दिए, फिर से कितने दिन में अंडे देगी? प्लीज संडे आंसर। भाई देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है, ज्यादातर फर्स्ट ब्रीड में ये सब होता है, और कई बार ऐसे भी हो जाता है फीमेल अंडों पर प्रॉपर नहीं बैठती है जिसकी वजह से अंडे खराब हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आपने अंडे हटा दिए, ज्यादा आप इनको डिस्टर्ब ना करें, बाकी कैल्शियम विटामिन्स का आपको कोर्स करवा दें, सॉफ्ट फूड आप डेली देते रहें, जैसे पहले आप केयर करते थे उसी तरीके से केयर करते रहें, जल्दी क्रॉसिंग होगी और वापस अंडे आ जाएंगे, बाकी और कोई दूसरी आप छेड़खानी ना करें। तो दोस्तों यहीं थे आज के सवाल, और उम्मीद करता हूँ जो जवाब मैंने दिए हैं उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो अपने सवाल दोबारा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे नए शौकीन भाई जो बजरी तोतों से पहली बार ब्रीड ले रहे हैं और उनके पास बहुत तरह की प्रॉब्लम अभी आ रही होगी, तो एक बार आप चैनल पर विजिट करें, बहुत सारी वीडियो आपके लिए मौजूद है कि बजरी तोतों से ब्रीड कैसे लें, एक जोड़े से ब्रीड कैसे लें, ब्रीडिंग में क्या क्या दिक्कत आती है और उनका हमें कैसे सुधार करना है, जल्दी से जल्दी कैसे अपने जोड़े से अंडे बच्चे लेने, सारी वीडियो चैनल पर मौजूद है। तो एक बार चैनल पर जाएँ, सारी वीडियोस देखें, जो आपके लिए वीडियो जो आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम आएगी वो वीडियो आप देख लें, तो बिल्कुल आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी और आपकी जानकारी भी बढ़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।